अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? मिले आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खरीद से होंगे। तो आज का ब्लॉग है रमजान की रूटीन पे। मैंने सोचा कि आज जो है वो एक ब्लॉग बनाया जाए कि मैं दिन में क्या करती हूँ, किस तरह से हम लोग रमज़ान गुजारते हैं। वैसे सबकी रूटीन सेम ही होती है रमज़ानों में, कोई किसी की डिफरेंट नहीं होती। वही सारी वही सारी होती है, वही सोना होता है, वही उठना होता है। बट इस तरह का चलो, क्योंकि मेरा सऊदीया में जो रिकॉर्ड था वो सारे मेरे ब्लॉग सेव है, तो मैंने कहा एक मतलब यहाँ के भी सेव होने चाहिए, पाकिस्तान में हमने किस तरह रमज़ान गुजारे। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग बनाती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा ब्लॉग शायद ना बना पाऊँ रमज़ानों में, क्योंकि ज़्यादा टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए। बट ये कि आई ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से और बहुत सारे से ब्लॉग बनाऊँ। फिर चलते हैं ब्लॉग की तरफ। और ये हो रहा है सहरी का वक्त, गैस जो है वो, ये मेरे बच्चे जागे हैं, ज़रा उनको देख लें पहले। दोनों जागे हैं और गैस जो है वो है ही नहीं। ये देख, तो शुक्र है हमारे पास इलेक्ट्रिक है, उस पर काम चल रहा है। और बाकी जो है वो एयर फ्रायर पे हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग फ्राइड चीज़ें नहीं खाते। बास्केट कौन लेकर आया? हु ब्रिंग इट देयर? बाबा। गो पुट इट इन द रूम। चलो लेट्स मेक अ सहरी। और ये एकदम से पता नहीं डिश वॉशर को, सॉरी हमारे एयर फ्रायर को क्या हो गया, एकदम धुआं निकलने लगा इसमें से, पूरा घर धुआं धुआं हो रहा है। क्या है यार, हो तो ठीक रहा है बट पता नहीं क्यों धुआं आ रहा है इतना। अभी ऐसा पहले होता नहीं था बट अब हो रहा है, पूरा घर धुआं धुआं हो रहा है। आई होप दिख रहा हो कैमरे में, बट इतना नज़र नहीं आ रहा। मैंने भी काम करते हैं, मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि इतना धुंधला क्यों हो रहा है, तो समझ में आया कि एयर फ्रेशनर वाले कर। चलो लेट्स सी, काम तो अपना हो गया, बस इस पर एग बनाने। ये देखें कितना धुआं आ रहा है, आई गेस मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, सनाव कुछ उल्टा ही सीधा हो जाए। गॉड डोंट टच इट, बेटर वेरी हॉट। सहरी डन, अब बस पानी का अब हम बस पानी पिए चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है रोज़ा रखना है। अभी अभी रोज़ा रखोगी? इस हल्के में पूरा साथ में माशाल्लाह सहरी ही है, और अब पानी भी नहीं पीने दे रही है। और एपन और ये जो है मुंह धो धो के बाबली हुई हुई है, मैंने वजू किया तो उन्होंने भी पूरा मुँह हाथ धोना है। उप्स गिर गया, इट्स ओके इट्स ओके। अब चल रहा है पानी, और बस अब चलता रहेगा पानी 10 मिनट तक। दीवा यहाँ पे खड़ी रजरी ले रही हैं, स्विंग इंजॉय कर रही हैं, और ये यहाँ पे तफिया कर रही है खड़ी होकर। मुँह हाथ धो के पूरा सर वर सब गीला किया हुआ सर्दी ने। और मैं कुछ नहीं, वॉक कर रही हूँ बाहर आकर, क्योंकि जो है वो पानी वानी मैंने कुछ ज़्यादा पिया लग रहा है मुझे, क्योंकि चल रही है, ताकि थोड़ा सा खाया हुआ हजम हो तो इंद अच्छी आए। अजीब का स्कूल भी जाना दिया, तुम तो जाग रही है हाँ। और सावन बच चुका है, सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, एंड अदी वॉज रेडी फॉर स्कूल। अदीवा बेचारी एक घंटे पहले सो रही थी, उसको मैंने उठाया, आँखें नहीं खुल रही थी अदीवा की। अदीवा कम दिस साइड तेरा सो माई यस, और उसकी आँखें नहीं खुल रही थी अदीवा की, क्योंकि ज़ाहिर है अब सिवा सो रही थी, बट स्टिल चलो उठ गई है माशाल्लाह। अरे बेटा माशाल्लाह धूप आई भी है, क्योंकि अदीवा का स्कूल का टाइम हो गया है 8:30, और 8:30 तो अदीवा घर पर बज गए। चलो लेट्स गो स्कूल। तो हम लोग जो हैं वो हो चुके हैं, और अदीवा स्कूल से आ गई थी, वो भी सो गई हैं। चस्फा भी जो है वो शावर लेके तैयार हैं, चलो कब। अब बस तैयारी है इफ्तार की, और कल तो हल्का फुल्का सही था इफ्तार, आज मैंने कहा चलो पिज्ज़ा आना चाहिए, इफ्तार में काफ़ी दिन हो गए थे पिज़्ज़ा खाए हुए, और मेरा दिल भी बहुत करता पिज़्ज़ा खाने का, तो इसलिए बस हम लोगों ने मंगवाया है पिज़्ज़ा। और फर्स्ट इफ्तार में वैसे ही हल्का फुल्का अच्छा लगता है, कि ज़रा पहला रोज़ा होता तो एकदम वो भी नहीं होता खाने का, दिल भी नहीं होता। तो ये है, अभी बाहर जाने की कोशिश कर रही है सनू एंड वी आर स्लीपर।
चलें बस फिर चलते हैं अफ्तार बाकी शरबत वगैरह बनाने के लिए। कल मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, आज मैं सोच रही हूँ कि हल्का सा कोई शरबत रख लूँ, क्योंकि पिज्ज़ा वैसे हैवी होता है, सब शेक जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो चलें बस चलते हैं, फिर अपना काम आप खत्म करते हैं, फिर मैं आपको जो है वो अफ्तार में मिलती हूँ। शस्फा कम डाउन। अफ्तार में रह गया है बस एक मिनट और अब तक जो है वो हमारा पिज्जा नहीं आया है। Let's see. We are waiting. और पिज्ज़ा जो है बिल्कुल एंड अजान के टाइम पर आया था, इसलिए जो है मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो बस मैंने रफली से रिकॉर्ड कर लिया। चले फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, जब तक अपना बात है रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह यहाँ बन रही है चाय, गैस आ नहीं रही है तो इलेक्ट्रिक पे बन रही है।